झारखंड पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम में किया पूजा पाठ। देवघर में आज विजय संकल्प रैली करेंगे अमित शाह, 2024 के चुनाव की तैयारी। मिशन कर्नाटक के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बीजेपी ने प्रधान को बनाया कर्नाटक बीजेपी का चुनाव प्रभारी। वहीं बीजेपी ने कर्नाटक के दिग्गज नेता के अन्नामलाई को भी सौंपा अहम कार्य, धर्मेंद्र प्रधान के साथ सब प्रभारी की भूमिका निभाएंगे अन्नामलाई। क्योंकि रामचरितमानस पर और सनातन धर्म पर छिड़ी बहस के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर दोहराया, सनातन धर्म है भारत की आत्मा। सीएम योगी ने आज तक को दिए इंटरव्यू में सनातन धर्म को बताया राष्ट्रीय धर्म, कहा सनातन संस्कृति एकांगी नहीं समग्रता की है। धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, मानवता के कल्याण का मार्ग जब भी प्रशस्त करेगा सनातन धर्म ही करेगा। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा एक नया पोस्टर, लिखा गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं लेकिन बीजेपी विरोधी हैं। समाजवादी पार्टी के बाहर दिखा था शूद्र वाला पोस्टर। दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी ने फिर उठाया शराब नीति घोटाले का मुद्दा, मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल। मानहानि केस में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को मिली जमानत, मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दर्ज कराया था यह केस। दिग्विजय सिंह सीएम शिवराज पर उन्होंने प्रहार किया, कहा व्यापम में दलाली करने वाले और प्रदेश लूटने वालों को बचा रही है सरकार। 2024 से पहले यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी में छिड़ी दलित वोट की जंग, एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस का मुद्दा अब हिंदू धर्म तक लाए, मायावती पर पलटवार में अंबेडकर के धर्म परिवर्तन का हवाला दिया उन्होंने। वहीं मायावती ने कल दलितों वंचितों को शूद्र कहने पर समाजवादी पार्टी को दी थी नसीहत, अंबेडकर ने उनके लिए संविधान में दिए हैं एससी एसटी ओबीसी जैसे शब्द, वही कहकर करें संबोधन। जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य बोले अंबेडकर को सबसे बड़ा विद्वान होने के बावजूद जाति उत्पीड़न का होना पड़ा शिकार, लिहाजा उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर अपना लिया था बौद्ध धर्म। इसी जाति उत्पीड़न से तंग आकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया था, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और उसी के चलते 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दसियों लाख से भी ज्यादा लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार करने का काम किया था। मायावती के 1995 के गेस्ट हाउस कांड का फिर से मुद्दा उठाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार, कहा उसी दिन खत्म हो गया था यह विवाद जब मायावती ने अखिलेश के साथ सपा बसपा का कर लिया था गठबंधन। गठबंधन के बाद तो आपने अपने आप सब भुला दिया, तो अब गड़ा मुर्दा उखाने की आवश्यकता क्या है। लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का विवादित बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को सरेआम चौराहे पर फांसी देने की मांग। लेकिन उन्होंने हिंदू समाज को कमजोर समझ लिया है, ऐसे लोगों को तो खुलेआम चौराहे पर फांसी लगनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा हिंदू धर्म और संस्कृति को जानबूझकर समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा बदनाम किया जा रहा है, बाइबल कुरान पर बोलने की नहीं है इनकी हिम्मत। मौर्य जी या अखिलेश जी केवल एक या तो कुरान पे या बाइबल पे, उनमें भी तमाम चीजें इस तरह की हैं, महिलाओं के बारे में भी और हर बारे में एक शब्द बोलकर दिखा दें। बिहार के मोतिहारी में एनआईए और पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी, चकिया इलाके से 3 पीएफआई संदिग्धों को हिरासत में लिया पूछताछ जारी। शर्जिल इमाम को जामिया हिंस केस में मिली राहत, साकेत कोर्ट ने किया आरोप मुक्त। जामिया हिंसा केस में आरोप मुक्त होने पर भी जेल से नहीं होगी शर्जिल इमाम की रिहाई, दिल्ली दंगा केस में अभी नहीं मिली है जमानत। संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में साधु संत उल्लास के साथ एक दूसरे से हुए विदा, जमकर उड़ा अबीर और गुलाल। संगम तट पर संतों ने एक दूसरे से खेली फूल वाली होली, गाए गीत। त्रिपुरा के बनाम मिलेपुर में असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा, कहा 500 साल हमने बाबर के अत्याचार सहे, आज हमने बाबर को हटाया, हो रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। कि मेरा जहां 500 साल
बाबर का नाम पे हम तप किया था कि मेरा जहां राम का जन्म हुआ था वहां बाबर ने कब्जा कर लिया था। आज हमने बाबर को हटाया और राम का भव्य मंदिर का निर्माण का काम शुरू किया। सीएम हेमंता ने कहा, लोग कहते थे राम मंदिर बना तो दंगे होंगे, लेकिन मोदी सरकार में सब शांति से हुआ। कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसा संकट है, पहाड़ी पर बने तमाम घरों में दरारें आई। डोडा में दरारें आने के बाद ढह गया एक मकान, मलबे में तब्दील हुआ पूरा आशियाना। डोडा में 21 घरों पर मंडराया संकट, दरारें आने के बाद ढहने का खतरा बढ़ गया है। डोडा में घरों में दरारें आने के बाद 19 परिवारों को शिफ्ट किया गया है, एक स्कूल और एक मस्जिद पर भी संकट के बादल। यूपी के फिरोजाबाद में 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस का एनकाउंटर, गोली लगने से जख्मी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अस्पताल में भर्ती कराया। उधर बिहार आरा में संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का हुआ ठहराव, लोगों में खुशी की लहर। आरा जंक्शन पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। रेल बजट में झारखंड को मिली बड़ी सौगात, पिछले वर्ष की तुलना में राज्य को 11 गुना ज्यादा पैसे मिले। वहीं छत्तीसगढ़ में देवी चित्रलेखा ने बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र पर कहा, उन्होंने जो धर्म के प्रति किया है उस पर प्रश्न उठाने का हक किसी को नहीं। यूपी के बहराइच में पुलिस पेट्रोलिंग टीम पर हमला, एक पुलिसकर्मी जख्मी। जबकि गुरदासपुर में सरकारी स्कूल के बच्चों का मिड डे मील चोरी हो गया, कक्षा से प्रोजेक्टर और सीसीटीवी कैमरा भी गायब। गुरुग्राम में गोरक्षकों को मिल रही है धमकियां, सड़कों पर उतरकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। अमृतसर में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने किया ड्रामा, नशे में पब्लिक के सामने उतार दिए कपड़े। महाराष्ट्र के वाशिम में पुलिस ने पकड़ा चावल और गेहूं का भंडार बेचने के लिए खेत में छुपा रखा था 16 टन राशन। जबकि झारखंड के रांची जिले में हाथियों ने गांव में उत्पात मचा दिया, घर तोड़कर एक महिला को निकाला, सुंड से पटक कर मार डाला, बच्चा भी जख्मी। गुरदासपुर में सरकारी स्कूल के बच्चों का मिड डे मील चोरी, जैसा कि आपको बताया सीसीटीवी कैमरा भी चोरी, प्रोजेक्टर भी गायब। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की दर्दनाक मौत। सूरत में कलेक्टर कार्यालय पर एबीवीपी का धरना प्रदर्शन, उचित कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। इंदिरापुरम के एक मकान में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड चमोली के जंगल में भीषण आग, धू कर जल रहा है जंगल, ऊंचाई वाली जगहों पर जबरदस्त बर्फबारी। असम में बाल विवाह के खिलाफ प्रदेश में सख्ती देखने को मिल रही है, हिरासत में लिए गए कुल 87 लोग। पटना में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी करके हंगामा किया। हथियार में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में हथियार और गोलियां जब्त। जयपुर में ट्रैफिक कर्मी की वजह से गई एक महिला की जान, चालान काटने दौड़ा तो स्कूटी का बिगड़ गया संतुलन। पश्चिम में रिश्वतखोर पुलिस वाले को एसीबी ने दबोचा, गिरफ्तारी नहीं करने के लिए मांगी थी इसने रिश्वत।